34% मिल रहा है। एज पर 7CBC का मुताबिक 4% ऑलरेडी एनहेंस हो गया है, आप लोगों को 38% मिलना चाहिए। तो इसको हम DA और DR विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022, उसको आज हम अनाउंस कर दिया, आप लोगों को सब मिल जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि अभी नया साल आने वाला है, तो न्यू ईयर गिफ्ट 2023 के लिए जो हाउस रेंट अलाउंस है HRM एज पर दी 7th CPC, उसको हम आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और साथ साथ डॉक्टर्स लोगों के लिए भी, उन लोगों का भी काफ़ी रिक्वेस्ट था कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उन लोगों को देना चाहिए, और वो भी आज मैं अनाउंसमेंट यहाँ से कर रहा हूँ कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA भी दिया जाएगा। उस NPA में मगर ऑप्शन भी दिया जाएगा डॉक्टर्स को कि अगर आप करना भी चाहें और नहीं भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी सरकार डॉक्टर्स लोगों को देगा। तो कुल मिला के आपका DNS अलाउंस, DNS रिलीफ, हाउस रेंट, रेंट अलाउंस और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पूरा अगर मिलने से, पूरा अगर टोटल करने से कुल मिला के जो फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है एक साल में 172 करोड़ का, ये एडिशनल इसमें बर्डन है राज्य सरकार के लिए। और आप लोग सब जानते हैं कि ये राज्य सरकार परफॉर्मेंस करने वाला सरकार है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हमारा मेन पिलर है, जो हमारा हर एक सिस्टम, हर एक फैसिलिटी, जो जनता के लिए जो सर्विसेज है उसको जो ड्राइव करते हैं, उसको इस बार हमने अनाउंसमेंट कर दिया। इस अनाउंसमेंट के बाद में करीबन 68,000 जो अरुणाचल प्रदेश का जो लोकल जो रेगुलर जो एम्प्लॉयज है, रेगुलर एम्प्लॉयज, उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेंगे। तो सरकार ने तो घोषणा करने के बाद डेफिनेटली फिर हम एक्सपेक्टेशंस भी करेंगे कि आप लोग फिर ड्यूटी भी उतना ही सिंसियरिटी के साथ में करेंगे। पिछले 6 साल में अरुणाचल प्रदेश में मैंने बहुत सारा रिफॉर्म्स हमने लेके आया, क्योंकि हम लोग जब तक रिफॉर्म लेके नहीं आएंगे तो हम लोग परफॉर्मेंस और अरुणाचल को ट्रांसफॉर्म भी हम लोग कर नहीं पाएगा। अरुणाचल का अनफॉर्चुनेटली बहुत एक गलत प्रैक्टिस हमेशा होते रहता था कि जब भी इलेक्शन आए तो नौकरी का सौदा होता था पहले, क्योंकि उस वक्त में एक सिस्टम नहीं था, प्रॉपर सिस्टम नहीं था, इसलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हमने लागू कर दिया। पहले तो होता था कि कोई CM या कोई मिनिस्टर, MLA या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जिसका थोड़ा सा दबदबा है, खास करके ग्रुप सी और डी का पोस्ट, वही लोग अंदर से लेके चला जाता था। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त में सिस्टम नहीं था।